हे गाइस, वेलकम टू एडुफैक्ट्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जल संरक्षण एवं संग्रहण। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम छाट के लाए हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे। 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी पाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दौसा। चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारेज की बावड़ी कहाँ स्थित है? ए हर्षगिरी सीकर, बी बेगू चित्तौड़गढ़, सी बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, डी दौसा। भंडारेज की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दौसा। भंडारेज की बावड़ी दौसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्तबीस देवरी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सत्तबीस देवरी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी बांसवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़, डी दौसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। सत्तबीस देवरी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? ए सिरोही, बी झुंझुनू, सी कोटा, डी धौलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धौलपुर। पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी धौलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में जल संरक्षण की कौन सी एक पद्धति नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में जल संरक्षण की कौन सी एक पद्धति इनमें से नहीं है? ए टाका, बी नाड़ी, सी झील, डी कुएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ए भरतपुर, बी दौसा, सी बूंदी, डी बीकानेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बूंदी। राजस्थान में प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में मंदाकिनी कुंड कहाँ है? ए आलूंदा दौसा, बी भंडारेज दौसा, सी अचलगढ़ सिरोही, डी कुंभलगढ़ राजसमंद। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान में मंदाकिनी कुंड कहाँ है? ए आलूंदा दौसा, बी भंडारेज दौसा, सी अचलगढ़ सिरोही, डी कुंभलगढ़ राजसमंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अचलगढ़ सिरोही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध मामा देव कुंड कहाँ स्थित है? ए कुंभलगढ़ राजसमंद, बी आभानेरी दौसा, सी बेगू चित्तौड़गढ़, डी धौलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संरक्षित कर बाद में काम में लेते हैं। यहाँ यह वर्षा जल क्या कहलाता है? ए खंडिन, बी नाड़ी, सी पालर पानी, डी बोरवेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पालर पानी। राजस्थान में घरों में जब वर्षा होती है तब जो पानी संग्रहित किया जाता है उसे उस वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं। नंबर 10, नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? ए झील, बी टोबा, सी तालाब, डी खडीन। तो इसका राइट आंसर है बी टोबा। अब आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में प्रचलित परंपरागत जल संग्रह का तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में प्रचलित परंपरागत जल संग्रह का तरीका नहीं है? ए टाका, बी टोबा, सी खंडीन, डी बोरवेल। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, और इसे ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। नॉलेज दूसरों को भी दें, दूसरों को भी वीडियो बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।